अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो अकाउंट है वहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको पासवर्ड पूछा जाता है, तो पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो उसको कैसे आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद में एप्लीकेशन को ओपन करके लॉगिन कर लेना होगा। अगर नहीं पता है किस तरीके से इंस्टॉल करना और लॉगिन करना है तो आप पिछले वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में आपको मिल जाएगा। सिंपली आप एयरटेल एप्लीकेशन जो है ओपन कीजिए, यहाँ पर आप अपना लॉगिन रहिएगा। तो अभी आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जो बैंकिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है सिंपली आप बैंकिंग पे क्लिक कर दीजिए। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको नज़र आएगा व्यू प्रोफाइल, और यहाँ पे नज़र आ जाएगा पेमेंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो मुझे वो नज़र आ रहा है वो यहाँ पे वो नज़र आ रहा है एक्चुअली मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली जो मैंने बैंक यहाँ पे अटैच कर रखा है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा व्यू प्रोफाइल, सिंपली आप व्यू प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, बैंकिंग पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आप अपना व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपको नज़र आएगा यहाँ पे माय डिटेल्स अकाउंट सेटिंग्स, उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, सिंपली आपको करना क्या है, माय डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पिन नंबर डालने के लिए, जैसे माय डिटेल्स पर आप क्लिक कीजिएगा तो हमें पिन नंबर इंटर करने के लिए बोल रहा है। तो पिन नंबर अभी आपको याद नहीं है, तो अभी आप क्या कीजिएगा, फॉरगॉट एम पिन पर आपको क्लिक करना होगा। सिंपली आप फॉरगॉट एम पिन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कीजिए। जिस भी मोबाइल नंबर से आपने अकाउंट बना रखा है उस पर एक ओटीपी गया होगा, ओटीपी आया मेरे पास में, वो ऑटोमेटिक एंटर हो चुका है। मैं सिंपली क्या करूँगा, सबमिट पे क्लिक करना है। यानी ओटीपी एंटर करने के बाद में, यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा क्रिएट एम पिन, एम पिन आप अपना बनाइए जो भी आपको एम पिन बनाना है। तो मैं अपना एम पिन जो यहाँ पे बना लेता हूँ 2020 मैंने ये एंटर कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर देना है। ये एम पिन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे 2020 मैंने एंटर किया तो मेरा अकाउंट की डिटेल्स के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है बताने लगा। तो इस तरीके से आप अपने पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपना पिन जो है फॉरगेट कर सकते हैं और नया पिन फिर से आप बना सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है। डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए, हर एक सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।